ओह गॉड, ये मैंने क्या देख लिया। मींस कैसे मैं ये मूवी सरवाइव कर गया। इसे देखकर तो आपकी सांसें रुक जाएगी, इतनी अच्छी मूवी। वाओ गाइस, इससे अच्छा तो मैं KRK की मूवी देख लेता। इससे ज्यादा लॉजिकल और एंटरटेनिंग मूवीज तो उसकी ही होती है। ओह सॉरी, हमारे लेजेंडरी KRK को कोई बीट नहीं कर सकता। जोक्स अपार्ट, मैंने देखी कैरोलिन मूवी और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो आप ये मूवी कभी ना देखें। आपकी आंखें, दिल, गुर्दा, फेफड़े सब खराब हो जाएंगे। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, मूवी ने तो हॉरर, स्टोरी, एक्टिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, VFX, स्क्रीन प्ले सबकी मार रखी है। क्या जरूरत थी ऐसी मूवी बनाने की जिसमें हॉरर के नाम पे सिर्फ एक सस्ती डायन दिखा दी जाए, वो भी सड़ा सा मेकअप करके। और प्लॉट की तो क्या ही बात करूं, इतना अच्छा हो सकता था क्योंकि जिस हिसाब से इसे बड़े स्केल पर दिखाया गया उसका 1% भी यूटिलाइज नहीं किया गया। एक्टिंग की तो खैर क्या ही बात करूं, उससे ज़्यादा अच्छी तो दीपक केलाल की ही होती है। ओह सॉरी अगेन, वो तो इस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाए। और मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक तो जैसे समझ ही नहीं आ रहा कि कोई म्यूजिक है या इको है। मूवी में सब कुछ घटिया था, सब कुछ मीन्स सब कुछ। और आप इसे ना ही देखें तो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि इतनी बेकार हॉरर मूवी कैसे कोई बना सकता है। इसे देखकर तो बादल भी बोलने लग जाए कि अब मैं हॉरर मूवी देख सकता हूँ। मैं कभी किसी मूवी की रेटिंग तो नहीं करता, बट इस मूवी की रेटिंग मैं जरूर करूंगा और इसे मैं -5/5 रेट दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ऐसी मूवी ना ही देखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सो जाने से पहले, आप देख रहे हैं AR के टॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।